कुरुक्षेत्र से भाजपा के सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार की शाम राजभवन में आयोजित एक समारोह में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने सैनी के अलावा 5 विधायकों को कैबिनेट व राज्य मंत्री की शपथ भी दिलाई है। हरियाणा में सोमवार की रात हुई राजनीतिक उठापटक मंगलवार को नई सरकार के गठन के बाद समाप्त हुई। हरियाणा के बदलते और राजनीतिक घटनाक्रम में जननायक जनता पार्टी में भाजपा के साथ चल रहा गठबंधन अचानक टूट गया। इसके बाद मनोहर लाल ने पूरी सरकार को इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। इस घटनाक्रम के बाद भाजपा के पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा तथा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग चंडीगढ़ में पहुंचे और उनकी मौजूदगी में नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद नायब सैनी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पार्टी प्रभारी विप्लव देव तथा दोनों पर्यवेक्षकों के साथ दोबारा राज्यपाल से मिले और सरकार गठन का दावा पेश किया। इसके बाद राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके बाद मनोहर सरकार में मंत्री रहे कंवरपाल को बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ दिलाई गई। कंवरपाल के बाद बल्लमगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा रानिया से, निर्दलीय विधायक चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, लोहारू के विधायक जयप्रकाश दलाल, डॉक्टर बनवारी लाल को बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ दिलाई गई। इस नई सरकार में मनोहर मंत्रिमंडल के गृह मंत्री रहे अनिल विज, स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता, राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, कमलेश ढांडा तथा संदीप सिंह को अभी मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया है।